अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेबे टेक। तो फाइनली यहाँ पे अब रेडमी लॉन्च करने वाला है अपना नेक्स्ट स्मार्टफोन जो कि है रेडमी नोट 10 सीरीज़ का, जो है रेडमी नोट 10s। अब ये जो स्मार्टफोन है यहाँ पे, जो रेडमी नोट 10 है और जो रेडमी नोट 10 प्रो है उसके बीच में होने वाला है। ऑब्वियसली प्राइस भी उसके बीच में होंगे और जो स्पेसिफिकेशन वगैरह हैं वो भी हमें मीडियम किस्म की देखने को मिलेंगे, यानी कि उससे थोड़ी कम और जो रेडमी नोट 10 है उससे थोड़ी ज़्यादा। तो ये जो स्मार्टफोन है परफेक्ट एक स्मार्टफोन होने वाला है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। तो आप लोग उम्मीद है इसका वेट कर रहे होंगे, अगर आप कर रहे हैं तो आपका वेट बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी के बारे में बात करूंगा, इसके अंदर में क्या क्या फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, इसका डिज़ाइन वगैरह कैसा है और इसकी जो प्राइस है वो क्या होने वाली है, और रही बात लॉन्च डेट की, कब तक इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो कम्प्लीट इसी के बारे में है, तो मेक श्योर वीडियो के एंड तक जरूर देख लीजिएगा। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की। तो इसका जो डिज़ाइन है बिल्कुल हमें सेम वैसा देखने को मिल जाएगा जो कि Redmi Note 10 और Redmi Note 10 Pro का है। बैक साइड पर वही हमें Redmi की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, नीचे लेफ्ट साइड पर इसके अलावा जो बैक है थोड़ी ग्रेडियंट टाइप फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेगी मैट में, और इसके अलावा जो इसका कैमरा मॉड्यूल है सेम एग्जैक्ट वैसा ही मिलेगा राउंड रेक्टेंगल शेप में, जिसके अंदर हमें बड़ा सा मेन सेंसर, नीचे दो सेंसर्स और उसके नीचे ही हमें जो फोर्थ सेंसर है वो देखने को मिल जाएगा। जबकि बात करें यहाँ LED फ्लैश लाइट की, तो ऑब्वियसली वो इनके साथ मिलती है, सेम वैसा ही कैमरा का डिज़ाइन है, बैक साइड भी वैसी ही है जैसे हमें बाकी जो Note 10 सीरीज़ के स्मार्टफोन में मिलती है। और फ्रंट साइड की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड भी ऑब्वियसली सेम ही है, यहाँ पे फ्रंट साइड पे हमें पंच होल मिलेगा, सेंटर के ऊपर उसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा सा है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो ये तो हो गया डिज़ाइन, डिज़ाइन वाइज सेम है। अब यहाँ पे बात कर लीजिए इनके डिस्प्ले की, डिस्प्ले वाले साइड में थोड़ा डाउनग्रेड किया गया है एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 10 Pro। इसके अंदर हमें 6.43 इंच का एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एक एमोलेड डिस्प्ले। अब यहाँ पर जो रेजोल्यूशन हैं वो हैं फुल एच डी प्लस की, यानी कि 1080p x 2400 pixels, और इसके अलावा इसके अंदर हमें 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाएगा और 409 PPI की पिक्सल डेंसिटी। तो यहाँ पे जो आपकी हैंड फील है वो भी ठीक होने वाली है एस्पेक्ट रेशियो की वजह से, और बाकी जो डेंसिटी है वो भी अच्छी खासी है, जो डिस्प्ले है आपको अच्छा खासा विजिबल होने वाला है, यानी कि अगर उसकी जो शार्पनेस वगैरह है, ब्राइटनेस वगैरह है, कलर्स एक्यूरेट दिखाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात करें तो इसके अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिलती है, जो कि डाउनग्रेड है पिछले सीरीज से। यहाँ पे एटलीस्ट गोरिल्ला ग्लास 5 तो देना चाहिए था, खैर यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें जो ब्राइटनेस लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, 1100 nits तक की जो ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस है वो मिलती है। तो डे लाइट के अंदर अच्छी खासी विजिबिलिटी होने वाली है, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट में भी इसको आप यूज़ कर सकेंगे। तो ये तो हो गया इसका डिस्प्ले वाली साइड। यहाँ पे रिफ्रेश रेट की बात करें तो वो हमें सिंपल वही 60Hz देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें कोई 90Hz 120Hz नहीं देखने को मिलता। तो एटलीस्ट यहाँ पे 90Hz देना चाहिए था, जो कि यानी कि अगर डाल देते तो थोड़ा स्मूथ फील होता, तो उसके बगैर मेरा ख्याल यहाँ पे ये जस्टिफाई होता है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में, 90Hz होना चाहिए था या नहीं, नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये तो हो गया डिस्प्ले। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसके प्रोसेसर की बात कर ली है, तो प्रोसेसर वाली साइड से भी हमें अच्छा खासा बस ठीक देखने को मिल जाता है। इसके अंदर हमें मीडिया टेक का हेलियो G95 मिलेगा। अब ये जो प्रोसेसर है थोड़ा ओल्ड प्रोसेसर है, पिछले साल का है। अब इसके अंदर जो 12 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर बेस्ड है ये प्रोसेसर, इसके अंदर हमें माली G76 का GPU मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस अच्छी खासी है इस प्रोसेसर की, 40fps का गेम प्ले आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर हमें 60fps नहीं देखने को मिलते। बाकी नॉर्मल गेम्स वगैरह हैं वो हाई सेटिंग्स पर इजीली रन हो जाती हैं, और बाकी जो मल्टीटास्किंग है, नॉर्मल ऐप्स हैं, सोशल मीडिया वगैरह, इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इसके वेरिएंट की बात कर ली जाए तो इसके यहाँ पे दो वेरिएंट सस्पेक्टेड हैं, एक 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ, और जो सेकंड है ऑब्वियसली 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। और यहाँ पर जो स्टोरेज टाइप है वो भी UFS 2.2 की है, तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड वगैरह तो आपको जो एक्सपीरियंस है थोड़ा फास्ट मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्मार्टफोन्स जिसके अंदर हमें UFS 2.1 की मिलती है। तो वेरियंट्स वगैरह भी ठीक है, यहाँ पर दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसके कैमराज की बात कर ली जाए तो कैमराज वाली साइड से हमें बस अच्छा देखने को जाता है, वैसा ही जैसे Redmi Note 9 Pro था, यानी कि Redmi Note 9s, तो वैसे ही कैमराज हैं। बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप है, 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। अब यहाँ पे जो अपर्चर है वो हमें 1.8F का मिलता है, तो डे लाइट के अंदर अच्छी खासी पिक्चर्स आ जाएंगी, लो लाइट के अंदर भी ये अच्छा खासा परफॉर्म कर जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस है जिसका जो अपर्चर है वो 2.2 है, तो लो लाइट के अंदर ये थोड़ा स्ट्रगल करेगा, बाकी डे लाइट के अंदर ये भी अच्छी पिक्चर्स कैप्चर कर लेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे दो सेंसर जो हैं वो मैक्रो सेंसर है और एक डेप्थ सेंसर है, और दोनों का ही हमें जो अपर्चर है 2.4 मिलता है, तो डे लाइट के अंदर भी ये दोनों सेंसर भी अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। ऑब्वियसली अपर्चर ज़्यादा है तो लो लाइट के अंदर ये भी बहुत ही बुरा परफॉर्म करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होने वाली है अगर आप मैक्रो शॉट्स या डेप्थ सेंसिंग यानी कि बैकग्राउंड ब्लर चाहते हैं। तो ये तो हो गया बैक कैमरा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट साइड पर 13 मेगापिक्सल एक सेल्फी शूटर मिलेगा। अब यहाँ पर जो अपर्चर है काफ़ी ज़्यादा मिलता है जो कि है 2.5 का, तो मेरा ख्याल यहाँ पे जस्टिफाई करता है एटलीस्ट 2.0 देखना चाहिए था यहाँ पे, यानी कि इनको डालना चाहिए था,
अब यहाँ पे इतना ज़्यादा डाल दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो पिक्चर्स हैं ऑब्वियसली लो लाइट के अंदर यानी कि बहुत ही मतलब कि स्ट्रगल करेगा, जो आपको डार्क स्टोन हैं वो मिल जाएंगे इसके अंदर देखने को फ्रंट साइड पे। बाकी डे लाइट के अंदर आपको ये जो तस्वीरें वगैरह हैं वो ठीक प्रोवाइड कर देगा। अब ये तो हो गया कैमराज वगैरह, अब यहाँ पे इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ली है तो ऑब्वियसली बैक साइड से हमें 4K 30 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग और 960 FPS तक के जो स्लो मोशन हैं वो भी मिल जाते हैं। तो कह सकते हैं कि जो कैमरा वाली साइड है इसकी ठीक देखने को मिल जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ली है तो यहाँ पे एक अच्छी बात है, यहाँ पे लेटेस्ट एंड्रॉयड मिलेगा एंड्रॉयड 11, जिसके साथ हमें जो MIUI 12 है वो मिल जाता है। तो आपको लेटेस्ट फीचर्स वगैरह मिलेंगे, आपको लेटेस्ट UI भी मिलता है। अब लेकिन यहाँ पे बग्स वगैरह हैं ऑब्वियसली आपको थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे जो कि आपको फेस करने में आएंगी, बाकी ओवरऑल ये हमें ठीक देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी बैटरी की, तो बैटरी वाली साइड से भी हमें ठीक देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है जिसके साथ साथ टाइप सी ऑब्वियसली, और यहाँ पे जो 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है वो भी मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, स्टैंडर्ड है 5000 mAh की बैटरी, आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिल जाएगा, 1.5 दिन तो आपका इजीली निकाल देगा। बाकी जो फास्ट चार्जिंग है वो भी आपका फ़ोन जल्दी चार्ज कर देगा, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। तो बैटरी वाली साइड भी इसकी हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो ये तो होगी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वगैरह। अब यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट स्कैनर रह गया, तो यहाँ पे बैक साइड पे नहीं देखने को मिलेगा। एमोलेड डिस्प्ले था, यहाँ पे इनको लगाना चाहिए था फ्रंट साइड पे, लेकिन यहाँ पे जो रेडमी नोट 10 पूरी सीरीज है वहाँ सारों में हमें जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो मिलता है। तो इसके अंदर भी ऑब्वियसली वही देखने को मिलेगा साइड माउंटेड पावर बटन के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे इसके वेट और थिकनेस की बात कर ली है तो ये जो स्मार्टफोन है 178 ग्राम के वेट के साथ आता है, और यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है 8.3 mm थिकनेस मिलेगी। तो इतना कोई थिक भी नहीं है, इतना कोई हैवी भी नहीं है, नॉर्मल आपको देखने को मिल जाएगा ये स्मार्टफोन। आप इसको ईजिली कैरी कर सकेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। तो ये तो हो गई कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वगैरह इसका डिज़ाइन रेडमी नोट 10s का। अब बात कर लिया यहाँ पे फाइनल मेरे ओपिनियंस की और इसकी प्राइस और लॉन्च डेट की। तो यहाँ पे प्राइस की सबसे पहले बात कर ली है तो इसकी जो प्राइस होने वाली है यहाँ पे अब 30,000 का तो हमें Redmi Note 10 देखने को मिल रहा है और 44,000 का हमें Redmi Note 10 Pro। तो इसकी प्राइस हमें 40,000 से नीचे नीचे ही देखने को मिलेगी। ये जो अपर वेरिएंट है 8GB 128GB वाला, ये मे भी 40,000 का लॉन्च कर दें। बाकी जो 6128 वाला है वो हमें 36-37 ऐसे ही मिल देगा। तो प्राइस वगैरह है अच्छी खासी हमें देखने को मिल जाएगी, काफ़ी कॉम्पिटिशन क्रिएट करेगा। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे इसके लॉन्च डेट की बात कर ली है तो लॉन्च डेट जो है इसका बहुत ही जल्द आने वाला है। अब यहाँ पे Xiaomi ने लॉन्च किया है Poco की तरफ से Poco X3 Pro और Poco F3। तो ऑब्वियसली यहाँ पे Poco ने लॉन्च किए हैं ये स्मार्टफोन, तो इससे थोड़ा टाइम बाद ही लॉन्च करेगा Redmi अपना एक और न्यू स्मार्टफोन। अगर इसी के साथ लॉन्च कर देता है तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी कि कौन सा स्मार्टफोन बाय किया जाए। तो अभी टाइम दे रहे हैं Poco के स्मार्टफोन को यानी कि ख़त्म होने का, लोग इसको बाय कर लें, उसके थोड़े टाइम बाद हमें यानी कि आप कह सकते हैं कि 20 अप्रैल तक हमें इसका लॉन्च देखने को मिल जाएगा, मे बी 25 अप्रैल, लेकिन होगा इसी मंथ के अंदर लॉन्च, ये कन्फर्म है। बाकी आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन है, आप इसका वेट कर रहे हैं, इसको बाय करना चाहते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, अब सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब किसी नए वीडियो में किसी और नए स्मार्टफोन की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।